साथियों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रैम्पेज। 2018 में आने वाली एक एक्शन थ्रिलर एडवेंचर मूवी है। बड़ी बेहतरीन मूवी है, एंड तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहानी के शुरुआत में हमें एक सैटेलाइट को दिखाई जाता है और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में एक कंपनी एक चूहे पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए ताकि कुछ गलत काम करके अरबों रुपए कमाए जाए, वो भी किसी को पता चले बिना। ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से इस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी आ जाती है और वो चूहा काफी बड़ा हो जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। ये चूहा सभी साइंटिस्ट को मार डालता है और एक ही साइंटिस्ट इसमें बच जाती है। और ये साइंटिस्ट अपने कंपनी की बॉस, जिसका नाम क्लियर होता है, उससे कहती है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं ही जिंदा बची हूँ, जल्दी से स्पेसशिप का डोर ओपन करो ताकि मैं भी बच सकूँ। लेकिन उस कंपनी की ओनर काफी मतलबी होती है। वो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर दरवाजा ओपन करूंगी, तुम्हें वो सैंपल्स लाने होंगे जिस सैंपल से उन चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो कंपनी के ओनर कहते हैं कि तुम अगर वो सैंपल्स ले आए तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। और ये साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के खातिर वो सैंपल्स लाने के लिए जाती है और उस वायरस के ये तीनों बॉक्सेस अपने साथ ले लेती है। और इस कंपनी की ओनर ये दरवाजा खोल देती है और ये साइंटिस्ट धरती की ओर निकल पड़ती है। वो साइंटिस्ट देखती है कि वो छोटा सा चूहा काफी बड़ा हो चुका है और ये स्पेसशिप धरती की ओर आ ही रहा था और उसमें भी काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें डेविस नाम के एक आदमी को दिखाई जाता है। वो एक एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है। अब डेविस की ड्यूटी एक ऑफिसर की थी, जहाँ पर उसको गोरिलाज को ट्रेनिंग देनी होती थी। डेविस उन गोरिलाज को बहुत ज्यादा प्यार करता था, उनसे इशारों इशारों में बात करता था और उनकी सारी बातें समझता था। इन सब गोरिलाज में एक व्हाइट कलर का गोरिला होता है और डेविस उस गोरिला से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो गोरिला डेविस की सारी बातें समझता था और ये दोनों काफी क्लोज थे। हमें दूसरी ओर दिखाई जाता है कि जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था, जिसमें वो साइंटिस्ट वायरस के सैंपल्स को लेकर आ रही थी, उस स्पेसशिप के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं और वो तीनों बॉक्सेस अलग अलग दिशाओं में गिरने लगते हैं। एक बॉक्स उस व्हाइट गोरिला के पास जाकर गिरता है, एक रिवर में और एक जंगल में गिर जाता है। जो वायरस जंगल में गिरा था, उस वायरस को एक उल्फ यानी भेड़िया स्मेल कर लेता है। एक वायरस को व्हाइट गोरिला इनहेल कर लेता है। इस वायरस को इनहेल करने की वजह से वो गोरिला कुछ अजीबो गरीब एक्टिविटी करने लगता है। अब डेविस अगली सुबह वहां पर आता है। वो सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि व्हाइट गोरिला ने एक दूसरे गोरिला को मार दिया था और ये गोरिला खुद भी काफी इंजर्ड था और उसके बॉडी पर चोट के काफी निशान थे। और तो और, वो गोरिला अपनी नॉर्मल बॉडी से काफी बड़ा होता जा रहा था। ये सब देखने के बाद डेविस को अब पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो गोरिला पहले की तरह अब डेविस की बात नहीं मान रहा था, साथ ही वो अजीब बिहेव करने लगता है। ये सब देखने के बाद डेविस पास वाले जंगल में जाता है, क्योंकि वो पता लगा सके कि गोरिला ऐसा क्यों कर रहा है और उसे वो वायरस का बॉक्स मिल जाता है। डेविस सोच में पड़ जाता है कि वो वायरस कहाँ से आया होगा और ये क्या चक्कर है। अगले सीन में हम उस कंपनी की ओनर क्लेयर को और उसके भाई को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका अंतरिक्ष में भेजा हुआ स्पेसशिप क्रैश हो चुका है, जिसमें वो साइंटिस्ट सैंपल्स को लेकर आ रही थी, जिसकी वजह से क्लेयर के भाई को गुस्सा आता है। लेकिन क्लेयर इस बात पर दुखी नहीं होती, क्योंकि वो काफी चालाक होती है। वो उसके भाई से कहती है कि स्पेसशिप क्रैश जरूर हुआ है, लेकिन जो वायरस के सैंपल्स है वो आसपास किसी जंगल में गिरे हुए होंगे, इससे पहले उसे कोई और लेकर जाए उसे हमें ढूंढना होगा। और वो अपने ऑफिसर को आसपास के जगहों में उस वायरस के बॉक्सेस को खोजने के लिए भेज देती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाई जाता है, जिसका नाम डॉक्टर कैट होता है। वो एक डॉक्टर भी थी और एक कंपनी की साइंटिस्ट भी होती है। डॉक्टर कैट न्यूज में देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप क्रैश हुआ है। ये देखने के बाद उसे बहुत दुख होता है और वो भी अपने कंपनी की ओर निकल पड़ती है। अब दूसरी तरफ डेविस उस व्हाइट गोरिला को चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, क्योंकि वो पता लगवाना चाहता था कि उसका पसंदीदा साथी ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वहां पर डॉक्टर कैट आ जाती है। वो डेविस को बताती है कि इस व्हाइट गोरिला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है और ये सब कुछ उसके बॉडी में एक वायरस की वजह से हो रहा है। लेकिन डेविस उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा वायरस है जो 4 से 5 एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है और जो भी जानवर इसे इनहेल कर लेता है उन सब की पावर उसमें आ जाती है। अब यहाँ पर डेविस उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। ये व्हाइट गोरिला हर पल अपने साइज से काफी बड़ा होता जा रहा था और अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर निकल कर तबाही मचाने लगता है और डेविस उसके पीछे भागता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब डेविस की बात को पहले की तरह वो नहीं समझ पा रहा था। उतने में ही मिलिट्री वाले आ जाते हैं और इस गोरिला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगते हैं, लेकिन डेविस उन्हें ऐसा करने से रोकता है
लेकिन उतने में ही वो इंजेक्शन उसे लगा दिया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर ने अपने जिन ऑफिसर को जंगल में भेजा था वो उस जानवर को ढूंढने लगते हैं जिसने वो वायरस इनहेल कर लिया था। क्लेयर और उसका भाई अपने ऑफिस से ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। उन्हें पता चलता है कि एक उल्फ यानी भेड़िए ने उस वायरस को इनहेल कर लिया है। अब वो काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि क्लेयर की पूरी टीम उस भेड़िए के पैर के निशानों को देखकर डर जाती है, लेकिन वो फिर भी उस उल्फ का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन वो उल्फ इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि वो एक एक करके सबको मारने लगता है। एक हेलीकॉप्टर उन ऑफिसर को बचाने के लिए आता है लेकिन वो उन पर भी अटैक कर देता है। उनमें से एक ऑफिसर बच भी जाता है लेकिन वो भेड़िया उसे भी नहीं छोड़ता, उसे भी मार देता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ मिलिट्री वाले सीनियर एजेंट्स डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं और उस व्हाइट गोरिल्ला को एक प्लेन में बिठा कर कहीं पर लेकर निकल जाते हैं। और डेविस भी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। वो एजेंट उस बात पर एग्री हो जाता है और वो डेविस को और उस फीमेल डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाता है। एजेंट उनसे कहता है कि जो हालात इस व्हाइट गोरिल्ला के है सेम ऐसे ही कुछ हालात एक वुल्फ यानी भेड़िए की भी है। वो एजेंट उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि आप जिस कंपनी में काम करती हो वही कंपनी इस वायरस के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर क्लेयर का भाई उसे बताता है कि जिस वायरस का असर गोरिल्ला पर हुआ है मिलिट्री उसे अपने साथ लेकर जा रही है। यह सब सुनने के बाद क्लेयर अपने भाई को उस बिल्डिंग के सबसे ऊंचे पॉइंट पर लेकर आती है। वो अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो कि एक रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। उसे वो कहती है कि इसमें से ऐसे रेडिएशन निकलेंगे कि जो भी उस वायरस का शिकार हुआ है वो सभी इस रेडिएशन की तरफ भागते आएंगे। इतना कहते ही वो रेडिएशन के टावर को ऑन कर देती है और सबसे पहले वो उल्फ यानी भेड़िया उन रेडिएशन की तरफ भागने लगता है। और तभी एक रिवर में कुछ हलचल होते हुए दिखाई जाती है क्योंकि जिस रिवर में उस वायरस का बॉक्स गिरा हुआ था उसे एक मगरमच्छ ने इनहेल कर लिया था और अब वो भी उस रेडिएशन की तरफ बढ़ रहा था। उस रेडिएशन के ऑन होते ही उस व्हाइट गोरिल्ला को कुछ अजीब सा होने लगता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पिंजरे को तोड़कर बाहर आता है और चीजों को तोड़फोड़ करने लगता है। अब डेविस परेशानी में पड़ जाता है कि अब इसे क्या हो रहा है। तभी वो डॉक्टर उसे बताती है कि ये सब एक रेडिएशन की वजह से हो रहा है और जो भी जानवर इस वायरस का शिकार है वो सब इन रेडिएशन की ओर खींचे जा रहे हैं। ये व्हाइट गोरिल्ला उस प्लेन में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और सबको मार डालता है और यहाँ पर एजेंट डेविस और वो डॉक्टर सिर्फ तीनों ही जिंदा बच पाते हैं। डेविस उस एजेंट की जान बचाने के लिए अपने साथ लेकर वो तीनों भी पैराशूट से नीचे उतर जाता है और वो प्लेन उस गोरिल्ला के साथ जमीन पर आकर ब्लास्ट हो जाता है और वो व्हाइट गोरिल्ला भी वहां से बचकर भाग जाता है। ये तीनों नीचे आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो एजेंट मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। डेविस यहां पर उस फीमेल डॉक्टर पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है और ये डॉक्टर उसे कहती है कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है क्योंकि मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर थी और इन सब के पीछे उस कंपनी की ओनर क्लेयर है क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो मेरे भाई को जान से मार देगी और मैंने तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसने मेरे भाई की जान ले ली। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इस वायरस की वैक्सीन भी बना ली गई है। वो वैक्सीन एक शहर के बड़े से लैब में पड़ी हुई है और हमें उस लैब तक पहुंचना होगा। ये सब सुनकर डेविस उसके साथ चलने के लिए एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर के ऑफिस में कुछ मिलिट्री ऑफिसर जांच करने के लिए आते हैं। उन ऑफिसर को क्लेयर पर डाउट हो जाता है कि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट क्लेयर कर रहे थे वो सब इलीगल है और पूरे लैब की अच्छे से छानबीन की जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। क्लेयर और उसका भाई वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाते हैं और यहाँ पर ये तीनों खड़े थे वहाँ मिलिट्री वाले आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर एक मिलिट्री ऑफिस लेकर जाते हैं और उन्हें उसी भेड़िए का वीडियो फुटेज दिखाई जाता है जो कि उस वायरस की वजह से सिटी की तरफ बढ़ रहा है। फिर वो फीमेल डॉक्टर उन्हें बताती है कि वो रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मिलिट्री वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उल्टा उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो एजेंट उन दोनों के साथ था। वो मिलिट्री ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है ये दोनों लोग हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले उस एजेंट की बातों को नहीं मानते और यहाँ पर वो डॉक्टर डेविस को कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस लैब तक पहुँचना होगा नहीं तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद डेविस उन ऑफिसर्स को मारने के बाद उनका हेलीकॉप्टर चुरा लेता है। दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे, इतने में ही वो एजेंट वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जरूरत हो तो जरूर फोन करना। और वो दोनों उस एजेंट को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। मिलिट्री वाले उस व्हाइट गोरिल्ला और उस भेड़िए को मारने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और उन पर बंदूकों से बॉम्बों से और कई तरह के हथियारों से फायरिंग करने लगते हैं, मगर फिर भी उन पर कोई भी असर नहीं होता। और यहाँ पर रिवर से भी वो मगरमच्छ बाहर आ जाता है और ये तीनों सबको अपने रास्ते से हटाकर उन रेडिएशन की ओर बढ़ रहे थे। डेविस देखता है कि रिवर में से एक मगरमच्छ भी बाहर आ गया है
जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। मिलिट्री भी वहां पर पहुंच जाती है और वो उन तीनों जानवरों पर अटैक करने लगती है। उन एनिमल्स पर फायरिंग की जाती है, उन पर बॉम्ब भी गिराए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो हर पल और ताकतवर होते जा रहे थे। वो फीमेल डॉक्टर डेविस से कहती है कि जल्दी से उस लैब में हमें जाना होगा जहाँ पर वो वैक्सीन पड़ी है, और वो उस लैब में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो वैक्सीन भी मिल जाती है। और डॉक्टर डेविस को बताती है कि इस कंपनी की ओनर क्लेयर उन तीनों जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर अपना खुद का हथियार बनाना चाहती है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। क्लेयर और उसका भाई यहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन भागने से पहले क्लेयर को पता चलता है कि वो डॉक्टर उसके लैब में आ गई है। वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो उस वैक्सीन को लेकर उन जानवरों को रोक सके, लेकिन क्लेयर ऐसा नहीं चाहती। वो दोनों उस वैक्सीन को लेकर वहां से भागने ही वाले थे तभी वहां पर क्लेयर और उसका भाई आ जाते हैं और वो उन पर गन पॉइंट कर देती है और उनसे वैक्सीन ले लेती है। लेकिन वो डॉक्टर इतनी बेवकूफ नहीं होती, वो एक वैक्सीन चुपके से अपने जेब में डाल देती है और क्लेयर डेविस के पैर पर शूट कर देती है और उस डॉक्टर को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन डेविस मरा नहीं होता है, वो फीमेल डॉक्टर को इसलिए लेकर जा रही थी ताकि वो उसका इस्तेमाल करके वहां से बचकर निकल जाए। इतने में वो गोरिल्ला उस टेरिस तक पहुंच जाता है। रेडिएशन की वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है और उस रेडिएशन के टावर को तोड़ने लगता है, और ऐसा करने से नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। उतने में वहां पर डेविस आ जाता है और वो उस डॉक्टर को बचा लेता है। क्लेयर का भाई डरकर अपनी बहन को वही छोड़कर भाग जाता है और डॉक्टर और डेविस एक प्लान बना लेते हैं। जो वैक्सीन उस फीमेल डॉक्टर ने चुपके से चुराए थे उस वैक्सीन को वो क्लेयर के बैग में डाल देते हैं और वो दोनों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। वो व्हाइट गोरिल्ला कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो क्लेयर को देखकर उसे उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। अब क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन थी तो उस गोरिल्ला के पेट में चली जाती है। डेविस उस डॉक्टर से पूछने लगता है कि वैक्सीन कितनी देर में असर करेगी, जिस पर वो कहते हैं कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे ही। क्लेयर का भाई वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेता है जिसमें इस वायरस के बारे में लिखा हुआ था, और यहाँ पर वो मगरमच्छ भी उस बिल्डिंग पर आ जाता है। वो बिल्डिंग की तोड़ फोड़ कर रहा था और वो बिल्डिंग गिरने ही वाली थी। डेविस और वो डॉक्टर एक हेलीकॉप्टर में बैठ कर वहाँ से निकलने ही वाले थे। वो तीनों जानवर मिलकर उस टावर को तोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उस हेलीकॉप्टर के साथ वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद ये तीनों किसी तरह बच जाते हैं। वो व्हाइट गोरिल्ला वैक्सीन की वजह से अपने नॉर्मल पोजीशन में आने लगता है। डेविस उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि गोरिल्ला अपने नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। डेविस उसे नॉर्मल पोजीशन में आता हुआ देख काफी खुश हो जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि वो दोनों जानवर अभी भी बहुत ताकतवर थे। यहाँ पर डेविस और गोरिल्ला प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर उन जानवरों को मार डालेंगे और उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ काफी ताकतवर होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक उल्फ आ जाता है और वो मगरमच्छ उस उल्फ को मार कर खा लेता है, और अब ये दोनों मिलकर उस मगरमच्छ पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो काफी ताकतवर था, किसी तरह से वो गोरिल्ला एक रॉड उस मगरमच्छ के आर पार घुसाकर उसे किसी तरह मार देता है, जिससे वो मर जाता है। लेकिन गोरिल्ला भी काफी जख्मी था, वो भी मर जाता है। ये देखकर डेविस भी काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसका प्यारा गोरिल्ला इस दुनिया में नहीं रहा, और डेविस अपना हाथ उस गोरिल्ला के हाथ में देता है। और तभी वहां पर वो एजेंट आ जाता है और डेविस नोटिस करता है कि उस गोरिल्ला का हाथ हिल रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। और डेविस उस गोरिल्ला की ओर देखकर कहता है, क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे, यानी कि तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। ये सब सुनकर वो गोरिल्ला डेविस की तरफ देखकर हंसने लगता है। वो गोरिल्ला भी उसे कहता है, मैं जब बेहोशी का नाटक कर रहा था तुम रोने लगे थे ना। और डेविस कहता है, नहीं नहीं मैं तो नहीं रो रहा था। और यह पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसे मजेदार वीडियोज मैं आपके लिए रोज लाता रहूं।